गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस अचीव कर सकते हैं सी शार्प में। तो चलते हैं इसमें। तो सबसे पहले एक हम नया फोल्डर बना लेंगे, तो इस फोल्डर का नाम रखते हैं मल्टी लेवल। ठीक है, तो ये हमारा एज अ प्रोजेक्ट का नेम हो गया। अब इसको हम करते हैं हमारे VS कोड में ओपन। ये मेरा प्रीवियस प्रोग्राम। तो यहाँ पे हमने इसे VS कोड में ओपन कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे अब इसमें। ठीक है, सो ये फोल्डर के अंदर नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे तो यहाँ पे हमने हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। अब हम जाएंगे प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में, इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक नेम स्पेस। ठीक है, तो नेम स्पेस का नेम हम कुछ भी रख सकते हैं, लाइक मैंने मल्टीज का नेम रख दिया। ठीक है, अब इस नेम स्पेस में हमारे मल्टीपल क्लासेस हम क्रिएट करेंगे। लाइक मैंने पहली क्लास क्रिएट कर ली, क्लास एम्प्लॉय। ठीक है, तो एम्प्लॉय मैंने यहाँ पे क्रिएट की। अब मैं इसके अंदर एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल रख लेता हूँ, नेम, लाइक मैंने नाम दे दिया है। ठीक है, इसी तरह मैं एक और क्लास बना लूंगा, का नाम रख देते हैं डिपार्टमेंट। ठीक है, तो हमने दूसरी क्लास बना दी। अब क्या करूंगा मैं यहाँ पे, इसके लिए अंदर भी हम एक वेरिएबल रख देते हैं, सिंपल स्ट्रिंग डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, लाइक मैंने डिपार्टमेंट नेम इसमें क्या कर दिया, डाल दिया इसमें डेवलपमेंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने दो क्लास बना ली, एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, जो एम्प्लॉय क्लास है उसको हम इनहेरिट करवा देंगे सीधे डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो हमने ये कर दिया एम्प्लॉय। तो अब क्या होगा कि डिपार्टमेंट क्लास में हमारे पास क्या क्या, डिपार्टमेंट क्लास में अब एम्प्लॉय की प्रॉपर्टीज भी है। ठीक है, तो इसी तरह से हम एक और क्लास बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने एक और क्लास बना दी डिपार्टमेंट सैलरी। ठीक है, इसके अंदर हम उस डिपार्टमेंट की सैलरी रख देंगे, लाइक मैंने इंट सैलरी को कोई भी अमाउंट दे देता हूँ भी ऐसे रैंडमली। ठीक है, तो अब इसमें क्या करूंगा, अब मैं इसमें क्या इनहेरिट कराऊंगा, इसमें इनहेरिट कराऊंगा मैं डिपार्टमेंट को। ठीक है, तो जब मैं डिपार्टमेंट को इसमें इनहेरिट करा लूंगा, दैट मीन्स हमारे इसके अंदर डिपार्टमेंट है और साथ में एम्प्लॉय भी है, क्योंकि एम्प्लॉय को हमने डिपार्टमेंट में इनहेरिट करा लिया। तो एम डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉय है एंड एम डिपार्टमेंट को इनहेरिट कर लिया है सैलरी में। दैट मीन्स अब डिपार्टमेंट सैलरी के पास हमारे पास जो है मल्टीपल क्लासेस है, दैट मीन्स डिपार्टमेंट भी है एंड एम्प्लॉय क्लास भी है इसके अंदर। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं हमारे मेन फंक्शन को। ठीक है, सो मैंने एक ऐसा नॉर्मल क्लास ले ली, इसमें हम हमारा मेन फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे डिपार्टमेंट सैलरी का ऑब्जेक्ट, क्योंकि डिपार्टमेंट सैलरी क्या कंटेन कर रही है, हमारी जो है तीनों क्लासेस कंटेन कर रही है। ये खुद की क्लास भी कंटेन कर रही है डिपार्टमेंट सैलरी, डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय को भी। तो हम इसका क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे सिंपल। ठीक है, डिपार्टमेंट सैलरी DS एंड इसका हम बना लेते हैं एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो DS, अब DS से हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हम DS से सारा एक्सेस कर पा रहे हैं। पहले तो नेम क्या था, जो एम्प्लॉय क्लास के अंदर हमने नेम बनाया था वो वेरिएबल हमने यहाँ पे एक्सेस कर लिया नेम। ठीक है, तो साथ साथ में हम इसको प्रिंट भी करवाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया नेम, सेम इसी तरह से हम तीनों को कर देंगे। अब हम डिपार्टमेंट नेम प्रिंट करवा लेंगे यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे सैलरी प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, सो इस तरह से हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको करते हैं हम रन।
तो रन करने के लिए हम लिखेंगे डॉट नेट रन, डॉट ओके। यहाँ पे बोलता है हमारा मेन फंक्शन है, तो हमने क्या किया यहाँ पे जो एम है इसका मेन फंक्शन तैयार करता है, तो ये करेक्ट करते हैं तो कई बार ये मिस्टेक हो सकती है हमसे, तो अब करते हैं डॉट नेट रन। दोबारा से कमांड को चलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया है, तीनों जो भी हमने वैल्यूज इसके अंदर रखी। इसी तरह से हम इन क्लासेस के अंदर जो भी है फंक्शंस भी बना सकते हैं, जिन्हें हम मेथड्स बोलते हैं, तो उन मेथड्स को भी हम डायरेक्टली ऐसे ही इस किसी एक ऑब्जेक्ट की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। तो ज्यादा वीडियोज के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।